हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर के रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी जाने के लिए। आज मैं आप लोगों को खपुरा लेकर के जाने वाला हूँ। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज का भी अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। पूरे दिन क्या एक्टिविटी हम लोग करेंगे उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। और गाइस, एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई आज जो है ना नए फ़ोन का डिलीवरी होने वाला है। तो नए फ़ोन भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वीडियो का क्वालिटी को अपग्रेड करना भी जरूरी है। तो भाई मैं आज के बाद से जो भी वीडियो शूट करूंगा उसमें भाई 4K क्वालिटी होगा और क्वालिटी भी अपग्रेड आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। तो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बाहर का मौसम देख लो कितना प्यारा हो रखा है भाई। धूप भी हल्की हल्की निकल रखी है और साफ मौसम है बिल्कुल, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो भाई आजकल धूप बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और इधर भाई घर का कुछ काम चल रहा है और ये दोनों भाई को देख लो भाई, दोनों भाई पांडा कार चला रहा है। तो भाई सुबह उठते ही भाई ये दोनों भाई जो है सो अपना गाड़ी जो है सो ले करके घूमने लगता है। गाइस चलिए अभी साइड पर चलते हैं, गाड़ी भी अपनी बाहर लगी है और गाड़ी लेकर के साइड पर चलते हैं, फिर आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं। हमदान टाटा। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं वायाडक्ट 4 के पास। और देखो गाइस, ये फ्लाईओवर काफ़ी पहले बन के तैयार हुआ था, मैं कई बार इसका तस्वीर दिखा चुका हूं। और इस तरफ में भाई जो ये अंडरपास आप लोग सामने देख रहे हो ना, इसी अंडरपास के बाद ना जो पेयर कैप आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने सेगमेंट लॉन्च किए जाएंगे जिसका भाई अंडर स्लैंग लगाया जा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को अंदर की तस्वीर दिखा देता हूँ। तो ये जो आप लोगों को फ्रेम नुमा दिख रहा है ना, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो बेस दिख रहा है, को भाई अंडर स्लैंग कहा जाता है। इसी के मदद से भाई सेगमेंट को लाइन बाय लाइन एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। अभी सेटअप रेडी हुआ नहीं है, सेटअप रेडी होने में भाई समय लगेगा। तो ये अंडर पास देख लो, ये सामने अंडर पास देख रहे हो ना, उसके ऊपर देखो गाइस ये पेरेस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर से भाई सीधा आएगा इस पेयर कैप के ऊपर सेगमेंट लॉन्च होते हुए। इस तरफ में भी एक सेगमेंट लॉन्च होगा, एक पेयर कैप इधर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें भी दो स्पैन भाई बनेगा, मतलब दोनों पेयर कैप के बीच। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और चैनेज की अगर हम बात करें, जहाँ से 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के इस लोकेशन तक ना 15 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेजर ब्रिज बन रहा है जिसका भाई डेक स्लैब का काम यहाँ पर किया जा रहा है, शटरिंग वगैरह लगाए जा रहे हैं। ब्रैकेट आप लोग देख सकते हो, बाहर से भी आप लोगों को दिख रहा होगा, और शटरिंग का काम चल रहा है। जैसे ही शटरिंग का काम कम्प्लीट होगा उसके बाद भाई के ऊपर में स्लैब ढाल दिया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे आई गटर लॉन्च किए गए थे जिसका वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था। और इस तरफ में देखो, लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा था तो भाई शटरिंग वगैरह लगाए जा रहे थे, सरिया फिक्सिंग का काम हो रहा था। अभी देखो नीचे का वॉल ढलाई हो गया है, ऊपर वाला भी शटरिंग लगा हुआ है, और वो सबसे लास्ट वाले में भाई देखो सरिया फिक्सिंग का काम चल रहा है। इसके आगे देखोगे एक अंडर पास नज़र आएगा, उसके बाद फिर हाईवे वाला सेक्शन है। तो हाईवे वाले सेक्शन में भी भाई काम चल रहा है। और कल ही मैं जब शाम को यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर भाई JCB गड्ढा वगैरह खोद रहा था, हालांकि गड्ढा कर दिया है उसमें। आई थिंक लगता है कि साइड वॉल बनाया जाएगा, मतलब मट्टी को रोकने के लिए ना यहाँ पे एक वॉल बनाया जाएगा। हाईवे वाला जो हिस्सा रहेगा उसका मट्टी बाहर ना चली जाए, इसलिए भाई यहाँ पर एक वॉल बनाने का काम किया जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीम लगी है, उसके बेटर भी भाई मट्टी वगैरह डाल रहे हैं, लेवलिंग का काम भी किया जा रहा है। पहले मट्टी फिलिंग होगा, उसके बाद फिर भाई रोड रोलर से जो सॉइल है ना उसको कॉम्पेक्शन कर दिया जाएगा। तो देखो, और ये हाईवे वाला सेक्शन रहा, सामने खपुरा प्लांट है, तो खपुरा बेस कैंप में ही हम जा रहे हैं और वहाँ ही ड्यूटी है भाई। तो खपुरा बेस कैंप में ही आज हम पूरे दिन रहने वाले हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए भाई घर पर वापस आना है, क्योंकि आज मैं लंच बॉक्स लिया नहीं। तो हाईवे वाले हिस्से में भाई ऑलमोस्ट काम हो गया है, और आगे बढ़ोगे खपुरा के पास तो भाई साइड स्लोपिंग का काम चल रहा है। जो हाईवे वाला सेक्शन है ना उसका कहीं कहीं पे साइड स्लोपिंग का ही काम बचा हुआ है, जो साइड वाले मट्टी होते हैं ना वो धंस ना जाए या फिर वो बारिश में या पानी में कट के बाहर ना चली जाए, इसकी वजह से साइड स्लोपिंग का भी काम किया जाता है। आगे भाई ढलाई चल रहा है, चलिए मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, रोड रोलर भी आप लोगों को दिख रहा होगा और एक पेवर मशीन भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ पे सब बेस डालने का काम किया जाना है, जैसा कि आप देख सकते हो मार्किंग वगैरह कर दिया गया है, उसके बाद फिर भाई इसके ऊपर में सब बेस डाले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो काम चल रहा है,
साइड स्लोपिंग का काम चल रहा है। अभी भाई डम करके गया है कंक्रीट मिलर वाली गाड़ी, और देखो गाइस फावड़ा से सारा माल जो है खींचा जा रहा है, नीचे में डाल दिया गया है बहुत सारा माल, और इसको अभी भाई लेवलिंग का काम किया जा रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ खपुरा के अंदर जा रहा हूँ, तो ये मेन गेट खपुरा है और इसके अंदर हम लोग अभी एंट्री लेंगे, और यहाँ पर भी काम चल रहा है। ये हाईवे वाले सेक्शन में ज़्यादातर ना साइड स्लोपिंग का ही काम बच गया है, बाकी काम तो पूरा कर लिया गया है, जैसे कि सब बेस डालने का काम है वो सब कर लिया गया है। ब्लैक टॉप का काम अभी नहीं हुआ है कहीं पर भी, तो ब्लैक टॉप का काम होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ खपुरा बेस कैंप, और ये कास्टिंग यार्ड है गाइस, और थोड़ी देर में भाई हम लोग स्ट्रेसिंग का प्रिपरेशन करने वाले हैं, और लंच के बाद ना हम लोग स्ट्रेसिंग करेंगे दो सेगमेंट का। गाइस फाइनली मोबाइल आ गया है, और ये भाई डिलीवरी बॉय आ गया है, पार्सल लेते हैं। ये बॉक्स अभी हमारे हाथ में है, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं। कौन सा मोबाइल है? कौन सा मोबाइल है? हाँ? ये मोबाइल जो है ना रमजान सैमसंग का मोबाइल है रे। सैमकम नहीं रे, सैमसंग। ये देखो बिल निकला है इसमें से, तो गाइस फाइनल प्रोडक्ट ये है, आप देख सकते हो गैलेक्सी S23 FE। देखिए गाइस तो फाइनल लुक मोबाइल का कुछ इस तरह से आता है, आप देखो काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है गाइस, मेटल बॉडी है। S23 FE इस कैमरे के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब फेमस है ये मोबाइल, पॉपुलर काफ़ी पॉपुलर मोबाइल है ये, तो आपको पता होगा कि मैं कैमरे के लिए ही मोबाइल मंगवाया हूँ। आप देखो आज के बाद जो भी वीडियो आएगा इसी फ़ोन से आएगा। तो गाइस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और अभी भाई हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेसिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो गेंट्री क्रेन में भाई हमारा जो जैक और पावर पैक है वो दोनों शिफ्ट हो रहा है, और सेगमेंट जो रखा हुआ है ना ये सामने रखा हुआ है, ये देखो दोनों में जो केबल डाला हुआ है ना आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोनों सेगमेंट का भाई आज हम लोगों को स्ट्रेसिंग करना है। तो चलिए भाई बेड के ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ बेड के ऊपर, और यहाँ पर देखो भाई काफ़ी सारे सेगमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो भाई ये बेड है इसके ऊपर में सेगमेंट बनाए जाते हैं, और ये वाला जो सेक्शन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये भाई लोडिंग पॉइंट है, मतलब जो भी सेगमेंट सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं ना उसको इसी गेंट्री क्रेन की मदद से ना लिफ्ट करके स्टॉक करके रखा जाता है, फिर वहाँ पर फिनिशिंग का काम होता है, फिनिशिंग होने के बाद फिर भाई जो गाड़ियाँ आती है उसके ऊपर में लोड किया जाता है, फिर भाई जो भी लोकेशन पर सेगमेंट को लॉन्च करना होता है, जो भी साइट पर जाना होता है यहाँ से ही भाई सारा का सारा सेगमेंट जाता है। हमारा अभी स्ट्रेसिंग वाला सेटअप यहाँ पर लग रहा है, और अभी दो सेगमेंट का हम लोग स्ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद फिर प्रोफाइल भी चेक करने के लिए जाना है उस तरफ में बेड वन पे, तो प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद फिर भाई जो भी काम रहेगा छोटा मोटा काम उसको क्लियर करेंगे। अभी देखो भाई जैक लग रहा है, और जो हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं ना ये जो डक्ट आप लोग देख रहे हो जिसमें केबल डाला हुआ है इसको भाई ट्रांसवर्स डक्ट बोलते हैं, तो भाई इसको ना हम लोग कास्टिंग यार्ड में ही स्ट्रेसिंग करते हैं इसी जैक की मदद से। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से ना इसको केबल को टाइट कर दिया जाता है, टाइट इसलिए किया जाता है कि ताकि भाई लोड कैपेसिटी इस सेगमेंट का सुपर स्ट्रक्चर का बढ़ जाए। जैक हमारा लग चुका है और पुलिंग प्लेट भी लग गया है, उसके बाद भाई जो हैमरिंग किया जा रहा है ना मास्टर वेजेस को ठोका जा रहा है, और इसी तरह से ना भाई एक एक केबल में जितना भी डक्ट है ना हर केबल में भाई जैक लगेगा और इसी तरह से मास्टर वेजेस ठोका जाएगा, उसके बाद ना ये जो पावर पैक है ना पंप है इसकी मदद से ना हम लोग इसको प्रेशर देंगे, तो भाई इसका भी एक अलग फंडा है, इसका डिटेल्स में मैंने वीडियो बना के रखा है, या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको तो पोस्ट टेंशनिंग वर्क से प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें भाई मैंने डिटेल्स में बताया किस तरह से स्ट्रेसिंग किया जाता है, किस तरह से प्रेशर देना होता है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, सारा डिटेल्स में मैंने बनाया है वीडियो। तो भाई इसको अभी पहले प्रेशर देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा डक्ट में लगाएंगे, तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे भाई हम लोग हाइड्रोलिक की मदद से ना इसको स्ट्रेस करने वाले हैं। देखो अभी हमने प्रेशर देना चालू कर दिया, ये लीवर है बेसिकली, तो भाई देखो 50 केजी पे हम लोग रोकेंगे, अभी 50 केजी हो गया है, अब देखो उसके बाद में ना केबल में मार्किंग करना होता है, फिर रीडिंग लेना होता है। जब हम लोग 50 केजी जाते हैं ना तो इसका भाई रैम बाहर होता है, और देखो थोड़ा सा रैम ना बाहर हुआ है, और जो मार्किंग हम लोग कर रहे हैं ना गाइस तो 50 एमएम पे भाई मार्किंग भी करना होता है मार्कर की मदद से, वाइटनर की मदद से स्केल लगा करके।
मार्किंग इसलिए करते हैं ना कि भाई इसको 24 आवर्स के बाद ना चेक करना होता है कि भाई स्लिपेज तो नहीं हुआ है, जो हमने प्रेशर दिया है, हमने जो केबल को खींचा है ना वो स्लिप तो नहीं हुआ है। 24 घंटे के बाद अगर स्लिप होता है तो भाई उसका प्रोसेस अलग होता है, उसका फिर अलग से भाई डिटेल्स में फिर काम किया जाता है, उतना डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं। फिलहाल भाई इसको प्रेशर देते हैं। तो गाइज़ अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी जस्ट हमारा स्ट्रेसिंग कम्प्लीट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो जैक भी हमारा बाहर आ गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं उस बेड पर, उसका प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में भाई घर जाएंगे। सनसेट भी हो रहा है, देख सकते हो काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है, दिन में भाई काफ़ी तेज़ धूप होता है और सनसेट का भाई जूम करके देखते हैं कितना क्लियर तस्वीर आता है। ये देखो गाइस, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 12x जूम मैंने कर दिया है और 12x जूम में भाई कुछ इस तरह से सनसेट दिखता है, मतलब जो सन है ना सूरज वो कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइस, देख लो ये 12x है। तो गाइस चलिए अब नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी हम ड्यूटी करके भाई आ गए हैं बिदुपुर बाज़ार और बिदुपुर बाज़ार में भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपने फ़ोन का ना बैक कवर लगाना है नए वाले फ़ोन का और भाई टेम्पर ग्लास भी मुझे लगाना है, तो यही वो दुकान है जहाँ भाई मुझे लगाना है और इसका टेम्पर ग्लास भी हमने भाई लगवा लिया है। तो ये देखो बैक कवर लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये फ़ोन दिख रहा है। गाइज अभी हम आ गए हैं मायराम हाट में और ये मायराम हाट का भाई मेन बाज़ार है और यहाँ पर भाई एक साथी फूड है, इसके यहाँ ना एक रोल ऑर्डर करना है क्योंकि भाई बच्चे लोग फ़ोन करके बोले हैं कि एक अंडा रोल चाहिए, एक अंडा रोल पार्सल कर दीजिएगा, ठीक है मैं जब तक सब्जी वगैरह लेता हूँ। ओके यहाँ से देखो भाई अभी शाम के 7 बज रहे हैं, भीड़ भाई कम नहीं हुआ है, 5 बजे आते हैं ना या 6 बजे आते हैं तो भाई और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे भीड़ देखने को मिलता। तो भाई सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो भाई यहाँ पर आ गए मछली लेने के लिए। अब अंधेरे में भाई मछली मिल रहा है, तो रेहू मछली यहाँ पे है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं फ्लैश लाइट जला देता हूँ आप लोगों को नज़र आएगा। तो भाई मछली ले रहा हूँ, सब्ज़ी वगैरह कुछ समझ में आया नहीं। तो भाई अलमीर पहुँचा हुआ है गेट पर पहले ही। क्या अलमीर, ये लो तुम्हारा अंडा रोल, ले जाओ, हाँ ले जाओ, अच्छा से पकड़ो। तो भाई फाइनली मैं घर आ गया हूँ, ये दोनों भाई को देख लो भाई, हमदान क्या कर रहा है, ये दोनों भाई तो अंडा रोल को कटिंग कर रहा है, मैं काट देता हूँ ना अलमीर, मैं काट देता हूँ, तुम भी खाएगा, अभी सो के उठा है रे, ये लड़का तो सो के उठा है, तुमसे नहीं कटेगा, मैं काट देता हूँ, गुड बॉय। देखो अंडा रोल कट गया है, एक तुम्हारा और एक हमदान का, ठीक है खाओ दांत काटो, अरे तुम नहीं खा रहे, तुम दांत काट के दिखाओ, ये लो खाओ दांत काटो, हाँ तुम जल्दी फटाफट अंडा रोल ख़त्म करो तुम। मम्मी क्या कर रही है, मछली धो रही है। ओके जस्ट अभी हम ड्यूटी से आए हैं और भाई सबसे पहले मुझे मिला है चाय और ये दोनों भाई को देखो भाई मोबाइल वगैरह देख रहा है, एक तो भाई खेल रहा है, ये बड़ा वाला भी मोबाइल देख रहा है, तो चाय पीते हैं बाकी हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर भाई फ्रेश वगैरह होना है। भाई जालमीर की मम्मी लाई है मलाई खिला रही है चम्मच से, भाई देख चाहिए पूरा उठा ले आया है देख लो। और गैस इधर मछली फ्राई हो रहा है, अलमीर की मम्मी मछली फ्राई कर रही है। तो भाई साहब ये रहा अलमीर का गुल्लक, पैसा डाल रहा है अलमीर, दिखाओ कितना रुपया डाल रहा है, दिखाओ गिनती कराओ पहले। अभी मैं बाजार से आया हूँ तो इतना सारा चिल्लर लेके आया हूँ, दिखाता हूँ ये देखो 40 रुपीज़ है ना रे, 40 रुपीज़ है, डालो फटाफट फटाफट डालो, तुम मत डालो, ये भाई ये 100 रुपीज़ डाल रहा है, तुम मत डालो बेटा, तुम मत डालो, तुम डालो अलमीर डालो फटाफट, चलो देखो इसको देखो ये दोनों भाई डालने के लिए परेशान हो रहा है। तो देखो गाइस दोनों भाई मस्ती कर रहा है और मस्ती करते करते ना दोनों लड़ाई कर लेगा और फिर रोने भी लग जाएगा, देखो ये दोनों भाई मस्ती कर लेगा, तुम भी मुंह दूसरा है। आजा इधर आजा पापा के पास आजा, देखो अभी बच गया ना, गिर जाता ना तुम, पापा बोलो पापा, देखो तो आँख हर पूरा काजल पूरा कैसे कर लिया रे तुम, बोलो पापा पापा पापा, पापा हो। तुम बोलो पापा हो, पापा हो, पापा हो, बोलो कुकरू कू।
भाई मेरे पीठ के ऊपर चढ़ा हुआ है और मस्ती कर रहा है हमदान को। वो लड़का को देखो खाना खा करके मोबाइल देख रहा है। शट अप। बाहर भाई दोनों भाई खेल रहा है और एक भाई पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ाई कर रहा है रे? हाँ तुम लिखा है ABCDEFGH। आई लिखो। हाँ आई, गुड बॉय। तो भाई ये पढ़ाई कर रहा है और ये भाई आपको पता है कि 3.5 साल का है और ये लड़का 1.5 साल का है। ये बदमाशी कर रहा है, पेंट का डब्बा रखा हुआ है, सबको ये छेड़खानी करता रहता है। हाथ में लग जाएगा, छोड़ दो। चलो 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 खाना खाने के लिए चलो, टाइम हो गया है डिनर करने के लिए। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।